आज फिर आसमान से बरस सकती है आफत, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश की चेतावनी। अलीगढ़ में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव के हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। अलीगढ़ में अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, कलेक्टर ने दी स्कूलों को छुट्टी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। लखीमपुर के रेलवे कॉलोनी में भरा पानी, कई लोगों ने रेलवे कोच में बनाया ठिकाना। आगरा में जलभराव और खराब सड़कों से लोग परेशान, लोगों ने निराश होकर बदला कॉलोनी का नाम। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जाम और वाटर लॉगिंग से लोग परेशान। लखनऊ में भारी बारिश को देखते हुए जारी की गई एडवाइजरी, लोगों से सावधानी बरतने की सलाह। आज भी भारी बारिश का अनुमान है, लोगों से पुराने और जर्जर मकानों से सावधान रहने की कहा। गाजियाबाद में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिला अधिकारी के निर्देश पर आदेश जारी। नोएडा में भी आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश। आज लखनऊ में भी 12वीं कक्षा के स्कूल बंद रहेंगे, एहतियातन जारी किया गया आदेश। कानपुर में तेज बारिश की वजह से कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। बुलंदशहर में भारी बारिश को देखते हुए 10 और 11 अक्टूबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की घोषणा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बर्फबारी, पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा। गुरुग्राम में बरसाती तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत, सभी के शव 6 घंटे बाद निकाले गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, इस साल बरसाती पानी में डूबने का ये चौथा मामला। दिल्ली के लाहौरी गेट के पास इमारत ढहने से बड़ा हादसा, मलबे से करीब 10 लोगों को बाहर निकाला गया, एक बच्ची का शव बरामद। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है, मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, भरूच से लेकर जामनगर तक हजारों करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे भरूच के आमोद में 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जम्बूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। भरूच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाएंगे, दोपहर 3:15 बजे अहमदाबाद में शैक्षणिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे जामनगर में होंगे 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कल शाम 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे, एक रोड शो भी किया, लोगों ने किया स्वागत। गुजरात के मोढ़ेरा गांव को पहला सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया, यहां घर घर में सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है। पीएम मोदी ने कहा, मोढ़ेरा पहले सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता था और अब इसे और ऊर्जा से चलने वाला गाँव भी कहा जाएगा। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को उन्होंने आभार जताया, कहा लोगों ने मेरी जाति देखे बगैर मुझे चुना। मोढ़ेरा के मोदेश्वरी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेका माथा, आरती भी की। पीएम ने सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी शुभारंभ किया, प्रोग्राम का मजा भी लिया। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बेतुका बयान, पीएम मोदी को गोपाल इटालिया ने कहे अपशब्द। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, गोपाल का वायरल वीडियो सामने आया, बीजेपी नेताओं ने गोपाल पर एक्शन की मांग की। कोलकाता में लक्ष्मी पूजा और ईद मिलादुन्नबी के दिन दो गुटों के बीच तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी का आरोप, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल को खत लिखा, मोमिनपुर इलाके में पैरामिलिट्री को तैनात करने की मांग। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया, बंगाल की ममता सरकार वोट बैंक के लिए हिंसा पर काबू नहीं कर रही है। कोलकाता हिंसा को लेकर एक वीडियो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, दावा किया जा रहा है कि वीडियो कोलकाता के मोमिनपुरा का है, वीडियो में लोग बाइक तोड़ते नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने ही दूसरे वीडियो का भी ट्वीट किया, वीडियो में दिख रहा है कि एक घर में आगजनी हो रही है और उसके आसपास खड़े कुछ लोग घर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने भी जारी किया, जगह जगह टूटी बाइक्स और गाड़ियां नजर आ रही हैं। एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी जारी किया, दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उन्होंने इकबालपुर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। जोधपुर में ईद मिलादुन्नबी के धार्मिक जुलूस में लगे भड़काऊ नारे, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने की मुख्य आरोपी रोशन अली की पहचान, रोशन पहले भी कर चुका है माहौल खराब करने की कोशिश। खंडवा में लगे सरतन से जुदा किनारे, हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कासगंज में तय रास्तों से नहीं गुजरा ईद उल मिलाद उन नबी का जुलूस, अलग रास्ते से गुजरने पर पुलिस ने किया केस दर्ज। बरेली में मुसलमानों ने रुकवाया मंदिर का निर्माण, हिंदुओं का कारोबार बंद करवाने की धमकी देने का वीडियो वायरल। वीडियो की जांच कराने के बाद पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा, फिलहाल बेरमनगर गांव में शांत माहौल। दिल्ली में मनीष हत्याकांड पर विराट हिंदू सभा, संत बोले सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया, इन्हें चुन चुन कर मारो। यूपी सांसद प्रवेश वर्मा का विवादित बयान, हिंदू चाहे तो 24 घंटे में जिहादियों को सबक सिखा सकता है।
उद्धव और शिंदे गुट को मिल सकती है आज नई पहचान। उपचुनाव के लिए दोनों गुट को मिल सकते हैं नए सिंबल। इलेक्शन कमीशन आज कर सकता है फैसला। त्रिशूल, उगता सूरज या मशाल हो सकता है उद्धव गुट का नया सिंबल। शिंदे गुट के दावे के बाद धनुष तीर चिन्ह को आयोग ने किया है फ्रीज। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 3 नाम और सिंबल इलेक्शन कमीशन में जमा करने के लिए कहे। अरविंद सावंत बोले 7 अक्टूबर को दे दी थी लिस्ट। अरविंद सावंत ने कहा चुनाव आयोग को पार्टी के 3 नाम भी भेजे गए, तीनों में से कोई भी नाम नहीं होगा मंजूर। उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर ने आक्रामक बाघ की तस्वीर शेयर की, लिखा हमारा चुनाव चिन्ह श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन, पहले दिन नहीं पहुंचे नाराज जगदानंद सिंह। दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय सम्मेलन, लालू यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले लालू यादव, कहा संघ और बीजेपी देश को बर्बाद कर रही। तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, कहा मुझे और मेरी बहन को गाली दी। राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, नाराज तेज प्रताप यादव मंच छोड़कर जाते दिखे। तेज प्रताप के आरोपों पर बोले श्याम रजक, कहा वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो ताकतवर है। राजनीतिक खींचतान के बीच आज झालावाड़ जाएंगे सचिन पायलट। वसुंधरा के गढ़ झाल राप्टन से चुनावी दौरे की करेंगे शुरुआत। बीकानेर में वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी की चिंता। बीकानेर में बोली वसुंधरा, मुझे कोई भी काम आसानी से नहीं मिला। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार शशि थरूर, मेरे नॉमिनेशन पेपर पर सिग्नेचर करने वाले 5 से 10 लोगों पर दबाव डाला गया। शशि थरूर ने कहा कांग्रेस में कुछ नेता जो अच्छी पोजीशन में हैं वो बदलाव नहीं चाहते। हिमाचल दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कांगड़ा में पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुजरात में सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी को हराते देखना चाहते हैं। सी आर पाटिल का निशाना, केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को कंस कहा और उनसे ही वोट मांग रहे हैं। विवाद के बाद दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, कहा शोषित और वंचितों की सेवा करता रहूंगा। इस्तीफे के बाद बोले राजेंद्र पाल गौतम, मेरी पार्टी और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राजेंद्र गौतम के इस्तीफे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अब सीएम केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जेडीयू के कांग्रेस में विलय के आरोप पर प्रशांत किशोर का पलटवार, उम्र का असर है कुछ भी बोल रहे हैं। क्या जम्मू में कोई काबिल हिंदू नहीं जो यूपी बिहार से लोग ला रहे हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे, स्वर संगम घोष कैंप में होंगे शामिल। कानपुर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की महाकाल लोक की समीक्षा, पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक कॉरिडोर पर दिवाली जैसा होगा माहौल, की जा रही है विशेष तैयारी। 23 अक्टूबर को हिमाचल के चंबा जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं प्लेनरी मीटिंग की अध्यक्षता की, कहा बाढ़ और नशा मुक्त पूर्वोत्तर बनाना है। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। टीपू एक्सप्रेस का नाम वोडेयर एक्सप्रेस करने पर भड़के ओवैसी, कहा टीपू की विरासत को बीजेपी कभी मिटा नहीं पाएगी। ओवैसी के बयान पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मुसलमानों को हम दो हमारे दो पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, देश के विकास के लिए टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने की है जरूरत। नोएडा के गार्डन ग्लोरी सोसाइटी में एंट्री को लेकर डिलीवरी बॉय और गार्ड के बीच मारपीट हुई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद की। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार, घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में परीक्षा में कम नंबर पाने पर शिक्षक ने की छात्रों की पिटाई, 5वीं के छात्र की इलाज के दौरान मौत। बच्चे के परिवार ने शिक्षक पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। असम के बारपेटा पुलिस ने नकली वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले गैंग को का खुलासा किया, 3 लोग गिरफ्तार किए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास के बाघ की खाल बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में मारा गया बांग्लादेशी पशु तस्कर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की फायरिंग में जान गई। यूपी के मैनपुरी में एक जीआरपी जवान का रेप कर आरोप, पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मेरठ में एक शख्स ने टक्कर मारकर एक युवक पर चढ़ाई अपनी कार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की ड्राइवर की तलाश। जोधपुर के सुरपुरा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 2 बच्चों का रेस्क्यू कर बचाया गया। मेरठ में नाले में गिरी एक कार, क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली गई। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट रोड पर निर्माणाधीन शोरूम की दीवार गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। इस्लामाबाद में एक मॉल की 4थी मंजिल पर भीषण आग लगी, मॉल से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। चीन ने केर्च ब्रिज पर हमले को टेरर अटैक बताया, यूक्रेन पर लगाया आरोप। यूक्रेन के ज़ापोरोजिया में रूसी सैनिकों ने मिसाइल से अटैक किया, 17 लोगों की जान गई। आयरलैंड के 1,000 गांव में बाढ़ से तबाही, 20,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा।
भारत ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी है। 11 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 278 रन बनाए। भारत ने 46वें ओवर में जीता मैच। श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा। 111 बॉल पर 113 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ईशान किशन शतक से चूके। 84 गेंद में बनाए 93 रन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।